हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर हनी मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाली हूँ, वो है कार्बन और उसके कंपाउंड्स। तो ये बेसिकली है क्या, ये है आपका कार्बन और उसके पूरे बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में, जो कि क्लास टेंथ के लिए केमिस्ट्री का टर्म टू चैप्टर है। और इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन पहले दी जाती थी, अभी क्या है इस सेशन में बहुत कुछ इसमें डिलीटेड पोर्शन है। वो डिलीटेड पोर्शन हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम करेंगे वही पोर्शन जो एग्ज़ाम में जहाँ तक कवर किया गया है सारे टॉपिक्स को। तो सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाएंगे, वो है इसका स्ट्रक्चर। हम उसमें समझने के हवाले हैं, तो केमिकल सिंबल है जो कार्बन का वो होता है सी, एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हैं उसके 6। तो ये दोनों मिला के क्या बनते हैं, हमारे मास नंबर, जो कि 6 + 6 हो जाएगा आपका क्या, 12। ठीक, एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको सेट करेंगे, जिसमें के एल एम एन शेल्स होते हैं, और के एल एम एन शेल्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, और जो हमारा लास्ट में बचता है शेल में वो होते हैं हमारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वही उसकी वैलेंसी होती है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ 6 को और 6 को डिवाइड करने के लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई के एल एम एन शेल्स की, ठीक है, के एल एम एन, तो मैं 6 को डिवाइड करूँगी, फर्स्ट वाले शेल में 2 ही आते हैं, आपको पता होगा ये 2n² वाला फॉर्मूला है, और दूसरे में आ गए 4, ख़त्म हो गया हमारा ये। ठीक है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 को बोलते, इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट। क्या बोलते हैं इसको, टेट्रावेलेंट। ठीक, तो ये टेट्रा है हमारा, टेट्रावेलेंट शेल है इसका। ठीक है, 4 है इसके पास, ना लेना है ना देना है। ठीक, इसकी वैलेंसी है 4, टेट्रावेलेंस इलेक्ट्रॉन है ये, टेट्रावेलेंट एटम है ये। ठीक है, और ये बहुत इजीली बहुत सारे बॉन्ड्स बनाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, बहुत सबके साथ वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इसका, बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है ये इसका, ये यूनिकनेस है इसकी। ठीक है, ये यूनिकनेस नहीं बोलूँगी, बहुत स्पेशल कैरेक्टर बोलूँगी। यूनिकनेस इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि हमारे पास सिलिकॉन भी है, जिसका वैलेंस शेल में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स बसते हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिवाइड करते समय हमारे कैसे वैलेंस शेल में 4-4 इलेक्ट्रॉन किसके किसके बसते हैं। तो इट इज़ नॉट यूनिकनेस, बट येस ऑफकोर्स इट इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर। इसका ऑकरेंस हुआ है कंबाइंड, ऑकरेंस किस फॉर्म में हुआ है, कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन भी देखेंगे हम और फ्री स्टेट ऑफ कार्बन भी देखेंगे। फ्री स्टेट ऑफ कार्बन में आपको डायमंड, ग्रेफाइट और कोर के बारे में पढ़ने मिलेगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट है इसके, लिक्विड स्टेट है और गैसीय स्टेट, तीनों ही स्टेट में ये फॉर्म होता है। और ये सॉलिड स्टेट में ये लाइम, मार्बल, कैलेमाइन, ठीक है, इन सब के फॉर्म में आपको मिलेगा। लिक्विड स्टेट में आपको पेट्रोलियम के फॉर्म में मिलेगा कार्बन। आप देखिए इसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कितनी कितनी ज़्यादा अकरेंस है इसकी, ये आपको दिखाने में चाहती हूँ। और गैसीय स्टेट में तो ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक, एलोट्रोपी मींस क्या होता है, एलोट्रोपी द फेनोमेना ड्यू टू विच एन एलिमेंट एग्जिबिट्स डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। एलोट्रोपी एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें जो एलिमेंट है, जिसमें जो एलिमेंट की वजह से बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स, फिजिकल फॉर्म्स क्या होते हैं, मिलते हैं हमको, इट्स एन एलोट्रोपी। एलोट्रॉप्स क्या है, फिजिकल फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट को एलोट्रॉप्स बोलते हैं। कार्बन के दो फिजिकल फॉर्म्स हैं बेसिक, वो है क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमोर्फस फॉर्म। क्रिस्टल फॉर्म में आपको मिलते हैं डायमंड और ग्रेफाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे आगे। एमोर्फस फॉर्म क्या क्या होता है, चारकोल है, लैम ब्लैक है, कोक है, कार्बन गैस है, बहुत कुछ देखते हैं हम। कार्बन की इतनी प्रॉपर, इतने सारे फॉर्म्स हैं कि आप समझ जाओ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिकली ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लाइक रिलेटेड टू कार्बन। ठीक है, शुगर चारकोल है, बोन चारकोल है, वुड चारकोल है, चारकोल के भी 3 फॉर्म, इनमें भी कार्बन फॉर्म होते हैं। तो देखिए ये कितना इम्पॉर्टेंट क्या बताने वाली हूँ मैं आपको, इसका नेचर, इसकी प्रॉपर्टी बता रही हूँ। ठीक है, इसके इस पॉइंट पे आप देखिए, ये पॉइंट आपको क्या दिख रहा है, ये कार्बन एटम है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6, जिसमें प्रोटोन है 6, न्यूट्रॉन है 6, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घूम रहे हैं आपके, और इसके पूरे शेल्स में आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करने से इसकी क्या बन जाती है, मास नंबर 12। बहुत इजी, जितना आप इसको जानेंगे उतना आपको इजी लगते जाएगा। ठीक है, तो आपका कार्बन एटम की एटॉमिक नंबर है 6,
ठीक, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने होते हैं वो एटॉमिक नंबर जितने होते हैं, दैट इज सिक्स, इजी टू लर्न। ठीक, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को प्लस कर देंगे तो मिल जाएगा आपको क्या, उसका मास नंबर। तो ये था इसकी वन मोर इन्फॉर्मेशन। ये इसी तरह से क्या करते हैं, अपने न्यूक्लियस के बीच में ऐसे अराउंड उसके घूमते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम कि कार्बन इम्पॉर्टेंट क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कार्बन इम्पॉर्टेंट क्यों है। कार्बन डिपेंड, लाइफ डिपेंड्स ऑन द कार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड, बताइए। लाइफ डिपेंड है कार्बन या फिर उसी से रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। जैसे कि जब आप खाना खाते हैं या ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो आपकी बॉडी यूज़ करती है इस मटेरियल को, केमिकल रिएक्शन बनता है एंड देन यू, इट कैन कीप यू अलाइव। ठीक है, ये आपको अलाइव रखने की हेल्पफुल होते हैं, ये आपको अलाइव रखने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है इसका, जब हम बिल्डिंग्स, जैसे बिल्डिंग्स फॉर्म होती हैं तो ब्रिक्स, स्टील, ग्लास, वुड, ये सब लिविंग थिंग्स हैं, द लिविंग थिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम कार्बन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके लिए भी कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके जीने के लिए, आपके बिल्डिंग्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, कार्बन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ऑर्गेनिज्म, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये हमारे लिए। ठीक है, एंड द मेजर सोर्स ऑफ देयर केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है बॉडी से, इसका भी मेजर सोर्स आपका क्या है, कार्बन। तो है ना कितना इंपॉर्टेंट। देन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन कार्बन, मैंने आपको बोला ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू कार्बन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन कार्बन, सो दिस इज हाउ कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके यूनिक नेचर की। यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, वॉट इज इट, कार्बन एटम्स हैविंग द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ फोर टेट्रावेलेंट एलिमेंट। ठीक है, मैंने बताया था इसकी वैलेंसी में चार इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इसकी वैलेंसी चार है और इसने की बॉन्डिंग कैपेसिटी भी क्या है, चार। ठीक है, कुछ इस तरह से बनता है टेट्रावेलेंट, चारों तरफ से ये घिरा रहता है। ठीक, एच के साथ इसकी बॉन्डिंग बनती है और ये टेट्रावेलेंट बना देता है क्या, सी एच फोर, जिसको कि मिथेन बोलते हैं। ये गैसियस फॉर्म में मिलता है तो मिथेन गैस में भी क्या हो गया आपका, बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है आपका, ये कार्बन एटम। ठीक है, तो ये है आपका कैसे बॉन्डिंग कैपेसिटीज़ की पूरी चारों तरफ से, ना सिर्फ एच, एच के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप भी आप इसमें ऐड करते जाते हो और इनके नेम चेंज होते जाते हैं। ठीक है, चारों तरफ से इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी में कैपेबिलिटी है। देन नेक्स्ट है, कार्बन एटम बाइंड टुगेदर टू फॉर्म रिंग्स, मैंने बनाई है एक रिंग, ऐसी ही रिंग, पता नहीं कितनी ब्रांच चेन, सिंगल चेन और इसी तरह से चेन बनती रहती है, रिंग्स बनते हैं। ठीक है, शीट्स, ट्यूब्स, स्फीयर और ऑलमोस्ट एनी साइज, किसी भी साइज के बनते हैं ये। ठीक है, मतलब ये चेन कितनी भी छोटी या कितनी भी बड़ी हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, स्मॉल हो सकती है, कैसी भी शॉर्ट हो सकती है। कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट्स के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आराम से बना सकता है, जो कि दूसरे कोई एटम नहीं बना सकता, ये इसकी यूनिकनेस है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक दूसरे से बॉन्डेड बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनता है, एच और एच बन जाता है सिंगल बॉन्ड से, ओ और ओ बनेगा डबल बॉन्ड से, ए एन और एन बनेंगे ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, ये कैसे बनेंगे बताऊंगी, इसमें एक एक वन वन एटम की शेयरिंग होती है तो सिंगल, दो की शेयरिंग होती है तो डबल और तीन तीन की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल। तो इस तरह से इसमें क्या बन रहे हैं, क्या बनते हैं, बॉन्डिंग्स बनती है। ठीक है, बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। एक्चुअली तो बॉन्ड्स होते हैं दो टाइप के, एक आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में आप ये बता दो कि मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और उसके बाद बनता है। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास Na और Cl का, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों की शेयरिंग होती है एंड दे फॉर्म, एक प्लस एक माइनस होता है एंड दे फॉर्म लाइक NaCl। ठीक है, और ये हो जाता है आपका, ये 17 होता है तो इसको 1 की ज़रूरत होती है 2, 8, 7 की वजह से। ठीक है, और ये Na क्या होता है, 11 होता है, 11 में क्या होने की वजह से 2, 8 और 1। देखिए, इसके पास एक्स्ट्रा है ये देगा, इसके पास एक कम है ये लेगा, दोनों की शेयरिंग हुई और बना दिया NaCl। ठीक है, एक एक गया, एक एक आया। ठीक, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ, एक मेटल एक नॉन मेटल की शेयरिंग और ये होते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं तीन टाइप के, जो मैंने आपको बताया, सिंगल, डबल और ट्रिपल। ठीक, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का ये बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके पास। सिंगल बॉन्ड में आपका वाटर एग्जांपल है, शेयर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली, एक हाइड्रोजन का आता है और एक 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 करके ये कितने बनते हैं, एक एक हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन को दे देते हैं और हो जाता है क्या, उनकी बॉन्डिंग कंप्लीट। ठीक, हाइड्रोजन में कितना होता है, एक,
तो ये भी यहाँ पे भी एक है, इसका यहाँ से एक आता है, इसका यहाँ से आता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 2N6, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की ज़रूरत है, दो की ज़रूरत है। तो यहाँ से इसने इसको दे दिया, यहाँ से इसने इसको दे दिया, इनको मिल गया, इनकी सब तीनों की शेयरिंग हो गई, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई और बन गया H2O, हो गया सिंगल बॉन्ड। ठीक, ऑक्सीजन को बीच में लगने लगा, भैया मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आई एम नाउ फुलफिल्ड। ठीक है, तो क्या हुआ, ये ऑक्टेट कंप्लीट या डबलेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, डबलेट कंप्लीट होना चाहिए, या ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए या डबलेट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब या तो दो होने चाहिए वैलेंस शेल में या तो 8 होने चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो शेयरिंग पेयरिंग होती है, ठीक है, लूजिंग गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एंड दे जस्ट कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बनती हैं, इसी टाइप से बनती हैं बॉन्डिंग्स। ठीक, तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की कार्बन के साथ देखिए इसकी कितनी बन रही है, CO2। ठीक है, तो CO2 मतलब C अब बीच में है, यहाँ से O है और यहाँ से O है, और यहाँ से इन दोनों को क्या हो रही है, दो दो शेयरिंग मिल रही है और इसका बन गया है 4। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक, O इसने 2O दिया, इसने O दिया और बन गया इसका टोटल कितना, ऑक्टेट और ये इनका डबलेट और ऑक्टेट वाला जो कॉम्बिनेशन है वो हो गया फुलफिल इसके आउटर मोस्ट शेल में। यहाँ पे हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, NN मतलब 3-3 हो गया, क्या है इसका N का मतलब होता है 7। ठीक है, एक N में 7, दूसरे N में 7, इसके पास 2N5, ठीक, इसके पास 2N5। ठीक, अब इनके पास 3 बार ऐसे शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की, तब जाके इनके पास बनेंगे क्या, इनका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट और ये बन जाएंगे N2 मॉलिक्यूल। तो इसमें कितनी बॉन्डिंग की जरूरत पड़ी, कितने शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, 3 यहाँ से 3 यहाँ से, टोटल मिला के हो गए 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर हुए। ठीक, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का ये था एक छोटा सा एग्जांपल। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो कि मैंने सबसे पहले ही समझाया था कि H और H सिंगल बॉन्ड से वो होते हैं, रिलेट करते हैं, बॉन्डिंग बनती है इसमें, ये O और O डबल बॉन्ड से एंड N और N ट्रिपल बॉन्ड से। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एक और हमारे पास कि यहाँ पे है अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, A और B को देख रहे हो, A के वैलेंस शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 है, यहाँ पे भी 7 है, एक एक दे दिया, ले लिया, 8 हो गया, एक नॉन मेटल है और एक नॉन मेटल या मेटलॉइड है, मेटलॉइड वो होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, और दोनों की पेयरिंग कंप्लीट होके इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाता है टोटल 8। आप देख लीजिए यहाँ पे काउंट करिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर भी 8, A के लिए भी 8 हो गया, B के लिए भी 8 हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ख़त्म काम। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग एक दूसरे को शेयर पेयर करके क्या करते हैं, अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और ऑक्टेट करते हैं कंप्लीट या डबलेट करते हैं। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द गोल इज टू अचीव द सेट ऑफ 8 वैलेंस शेल। शेयरिंग पेयरिंग होती क्यों है, 8 वैलेंस शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस शेल नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फ्लोरीन ले लिया, फ्लोरीन में क्या है, ईच फ्लोरीन एटम है 7 इलेक्ट्रॉन्स, हर एक के पास 7 है, दोनों के पास 7 है, इनको चाहिए 8, दोनों ने एक दूसरे से शेयर किया एक एक इलेक्ट्रॉन और बन गया ऑक्टेट, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हो गया आपका कंप्लीट ये फ्लोरीन एटम, F2 हो गया, F2 बना तो मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीजन बना तो O2। ठीक है, O2 इसलिए O इसके फॉर्म में मिलता है, एट सिर्फ O होगा तो भैया वो एटमॉस्फेयर में बहुत रिएक्टिव होता है, O2 के फॉर्म में मिलता है आपको ये गैस में। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो H2O का फंडा। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया भी था इसमें H2O का कैसे शेयरिंग पेयरिंग होती है, व्हाट टू टू द कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली कंप्लीट्स द ऑक्टेट फॉर द एलिमेंट्स टू वॉट एवर दे आर बीन एडजस्टेड और वॉट एवर दे आर बीन फॉर वॉट एवर दे आर बीन एडेड। ठीक है, तो ये दोनों का हो गया आपका, ये पूरा मैंने आपको इस एग्जांपल से समझाना चाहा है कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, और होप कि मुझे आपको ये सब क्लियर हुआ है, एक बेसिक जो टॉपिक बताने जा रही हूँ कार्बन और एंडेड्स कंपाउंड का वो था ये। ठीक है, इसकी यूनिकनेस, हाउ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट और वो एक्चुअली है क्या। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट उस पर कि अब आते हैं चैप्टर के हिसाब से, चैप्टर में हमारे पास क्या क्या है,
तो इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ लिया कि कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका सिंबल है आपका सी, और कार्बन वर्सेटाइल है, कार्बन का प्रेजेंट अर्थ में क्या है, अर्थ क्रस्ट में इन द फॉर्म ऑफ मिनरल है जो कि 0.02%, और एटमॉस्फेयर में जो कि है CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट और उसका परसेंटेज बनता है 0.03%। सारे लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सब मेड अप ऑफ, दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन बेस्ड कंपाउंड से मिलकर ये सब पूरी लिविंग थिंग्स इस पे बेस्ड बनी है। ठीक, कार्बन हमेशा कोवेलेंट फॉर्म, कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है। कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बता दिया, एटॉमिक नंबर उसका 6 होता है, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, दोनों को मिला के मास नंबर 12। ठीक है, कार्बन एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करता है, कैसे, हाउ, एक ये टेट्रावेलेंट बॉन्ड है, टेट्रावेलेंट है, कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट, ठीक है, एटम, टेट्रावेलेंट एलिमेंट, सो इट डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, चाहे वो लूज कर ले चाहे वो गेन कर ले। ठीक है, चाहे वो लूज करेगा तो C4+ नहीं हो सकता या C4- गेन नहीं हो सकता। ठीक है, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए अगर आपके पास n है 0 और 5 बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन लेना ईजी है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन देने से एक लेना ईजी है। ठीक है, तो मतलब लूज करना है कि गेन करना है, ये वैलेंस शेल पे नंबर डिसाइड होता है। 2 को देना इजी है कि 3 को लेना इजी है, 1 को देना इजी है कि 5 को लेना इजी है, 5 को देना इजी है कि 2 को लेना इजी है। तो ये लेना देना जो है ना, ये आपके नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि विच विल गेन और विच विल लूज, विच विल मोर रिएक्टिव, विच विल लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है कि 4+ है, 4- है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू, इट डज नॉट फॉर्म एनी आयनिक बॉन्ड फॉर दिस, एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंड वुड रिक्वायर लार्ज, एंड बिकॉज why it is difficult, because it requires large amount of energy to remove 4 electrons from its outermost shell, which is called valence shell. ठीक है, तो कार्बन जो है वो फॉर्म करता है, सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर कार्बन एटम, अदर कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन से ये शेयरिंग कर लेता है। ठीक है, और विद द अदर एलिमेंट दैट अटेन नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, जिसकी वजह से ये नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, जैसे कि कौन, एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट बोल तो दिया लेकिन कौन से वाले, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्लोरीन, ये सब फॉर्म करते हैं बॉन्ड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये था एक एग्जांपल इसका, नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन कार्बन में कैसे होती है, कैसे वो अटेंड करता है। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसमें हाई, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इनके, कोवेलेंट कंपाउंड जितने होंगे उनकी लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे, एज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो बहुत वीक होता है। ठीक है, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बॉन्ड्स जो होते हैं वो बहुत वीकर होते हैं, इसीलिए इनकी, ये इनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इसलिए। ठीक है, देन दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन, क्यों है पुअर कंडक्टर, क्योंकि ये 2 एटम्स के बीच में होते हैं और इसमें कोई चार्ज्ड पार्टिकल फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए क्या होते हैं इनकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत पुअर होती है। ठीक है, वर्सेटाइल नेचर मैंने बताया था आपको कि यूनिकनेस क्या है, फिर भी एक बार फिर से बता देते हैं हम आपको कि 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कार्बन एलिमेंट की, और वो होती है क्या, कैटनेशन। कैटनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको माइंड में बिठाइए आप, क्या है, कार्बन कैन लिंक विद कार्बन एटम, कार्बन कार्बन एटम से लिंक करता है, और जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड मिलते हैं ताकि लॉन्ग चेन बन सके, ब्रांच चेन बन सके और क्लोज रिंग बन सके, इस टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म हो सके। ठीक है, तो कार्बन में भी लिंक्ड बाय कार्बन, किसके कार्बन लिंक होता है, कार्बन किससे लिंक होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, तो ये इस टाइप की प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटनेशन। नेक्स्ट है टेट्रावेलेंसी, जो मैंने बोला कि वो टेट्रावेलेंट होता है, चारों तरफ से उसके क्या होते हैं, वैलेंस शेल में 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये टेट्रावेलेंट होता है, चारों तरफ से इसकी रिंग क्या बन सकती है, एटम या एलिमेंट क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं, तो इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट कैन, कार्बन कैन बॉन्ड विथ 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, मोनोवेलेंट हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, किसी से भी हो सकता है। ठीक है, 4 कार्बन एटम से, मोनोवेलेंट एटम से, या फिर ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, या सल्फर से।
ठीक है, तो हो गया मोनोवेलेंट में हाइड्रोजन आता है भाई, आपको याद होगा जब मैंने इसके साथ एच एच जोड़ा था तो ये क्या था, हाइड्रोजन था, ठीक, मोनोवेलेंट एटम है, ओके। तो ये है इसकी टेट्रावेलेंसी। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स के बारे में बताऊंगी, वो क्या होते हैं देखिए। हाइड्रोकार्बन, कार्बन कंपाउंड मेड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जो कंपाउंड हाइड्रोजन और किससे बनते हैं, कार्बन से, उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन बोला, हाइड्रोकार्बन में दो टाइप होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब ये सैचुरेटेड क्या है, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम होता है, CC, इनको एल्केन्स बोलते हैं। इनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2। अब देखिए ये कैसे बनता है, CN मतलब कि N मेरा अगर 1 हो गया तो C1H2 × 1+2, तो CH2+2 मतलब CH4, मतलब पहला ही मेरा बन गया मिथेन, एल्केन्स मिथेन्स, पहला बन गया मिथेन जब N 1 था, दूसरा बनेगा ब्यूटेन, तीसरा ब्यूटेन बनेगा, ब्यूटेन 4 होता है, दूसरा बनेगा इथेन, तीसरा बनेगा प्रोपेन, चौथा बनेगा ब्यूटेन, फिर पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन, ठीक है। तो फॉर्मूला है भैया आपके पास, ये भूलिएगा मत, CnH2n+2, ये एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड पे जाते हैं जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं कार्बन एटम्स के बीच में, सी डबल बॉन्ड सी और ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी। डबल बॉन्ड में एल्कीन्स होते हैं जिनका फॉर्मूला होता है CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन्स होता है जिनका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। तो याद रखने ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, एल्केन्स फॉर्म करते हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनका फॉर्मूला होता है एल्कीन्स बनते हैं डबल बॉन्ड से जिनका फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन्स होता है ट्रिपल बॉन्ड से जिनका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो एक में रह गया आपका प्लस टू, दूसरे में सिंगल ओनली 2n, और तीसरे में हो गया माइनस टू। ये दैट इज सिमिलर टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट, याद है आपको क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, m 2m होता है, 2m होता है, यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस वन एम स्क्वायर माइनस वन, कुछ इस तरह से ट्रिपलेट बनते हैं हमारे। यहाँ पे भी यही है CnH2n, ये देखिए CnH2n बीच में है, यहाँ पे बन रहे हैं CnH2n+2, यहाँ बनेगा CnH2n-2, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे प्लस टू, यहाँ पे सिंगल 2n, यहाँ पे माइनस 2n, ठीक है, 2n-2। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन को आपको एल्केन्स एल्कीन्स और एल्काइन्स के लिए, जो कि होते हैं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए, जनरल फॉर्मूला याद रखना है। डॉट स्ट्रक्चर क्रॉस स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे समझाया था आपको, व्हाट इज दैट, यहाँ पे आपने देखा था, ठीक है, यही चीज़ें आपको डॉट और क्रॉस में समझा रहे हैं, किस फॉर्म में, यहाँ पे, ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर और क्रॉस स्ट्रक्चर। इथेन बताया मैंने C2H6, ठीक है, C2H6 मतलब दो C है हमारे पास, ये C है और ये C है, ठीक है। अब यहाँ पे सबके पास H है कनेक्टेड, ठीक है, और ये आपस में, ओके। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों का एक क्रॉस बन जाता है, ठीक, यहाँ से ये फॉर्म होता है, और यहाँ पे बनेगा एक एक H, यहाँ सब जगह H है आपके पास क्रॉस में, ठीक है, मतलब इसकी बाउंड्रीज में एच एच है, एच ने एक क्रॉस के साथ डॉट किया, डॉट के साथ क्रॉस किया, डॉट के साथ क्रॉस, क्रॉस इज फॉर कार्बन एंड डॉट इज फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन मिलके इन्होंने अपने अपने बॉन्ड्स को रेडी किया, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड से बनते हैं, और ये बन गया आपका ब्रांच चेन, देखिए C2H6 सिंगल सिंगल, ठीक है। छः के छहों को उन्होंने दे दिया, छः है हमारे पास, देखिए आप एक और एग्जांपल दे देती हूँ, इस तरह से समझा रही हूँ मैं आपको, C2 है, यहाँ से आप देखिए ये सब H जुड़े हुए, H का डॉट आया है, ठीक, एक एक है इसके पास, तो मोनोवेलेंट, वैलेंसी में से वन ही है, ठीक, यहाँ से वन, यहाँ से वन, इसके सिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3, यहाँ से ये एक दे दिया, यहाँ से ये दे दिया 1 2 3, ठीक है। अब आप देखिए ये बन रहे कि नहीं, ये पूरा बन गया आपका सेम स्ट्रक्चर विच इज़ बीन हियर, देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2, अब देखिए सब में है ना, सबका डबलेट यहाँ पे
कंप्लीट है। तो इस तरह से ये बना दिया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम नेक्स्ट है हमारा इन्हीं से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। कार्बन रिच कंपाउंड्स हमने पढ़ लिया है, इलेक्ट्रॉन जो कि बाहर आउटर मोस्ट शेल में है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं जो अंदर न्यूक्लियस के अराउंड ही मूव करते रहते हैं। मूव तो सब करते हैं, ठीक है, मूवमेंट तो चलेगा सबका। इलेक्ट्रिसिटी सिंबल इसका सी, जो जो हमने पढ़ लिया थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं आगे जाने से पहले। एटोमिक नंबर है इसका सिक्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इसकी बनती है 2 और 4। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन इसके बनते हैं कितने, 4। इनका नेचर ऑफ कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। आइसोटोप्स क्या बनते हैं, ओ माय गॉड, आइसोटोप्स ये C13, 14 इस पे ये हैं ये आपके आइसोटोप्स ऑफ कार्बन्स। ठीक है, अब वैलेंसी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 4, वैलेंसी 4 होगी क्योंकि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन इज कॉल्ड वैलेंसी 4 है, इसीलिए इसको टेट्रा वैलेंट बोलते हैं। इसकी वैलेंसी 4 होने की वजह से जो कार्बन है वो 4 एटम्स के साथ रिएक्ट करते हैं, या तो अपने जैसे हो या कोई डिफरेंट एलिमेंट हो, ताकि वो कोई कंपाउंड बना सके। ठीक है, प्रेजेंस क्या है, इट्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन नेचर। इट फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन नेचर। एक्चुअली अर्थ क्रस्ट में बता दिया मैंने 0.02 कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ 0.03% इन नेचर। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम, इन सब के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, ये आपके मिनरल्स थे। ठीक, एंड देन कार्बन एटम कॉमन एलिमेंट, कार्बन जो कॉमन एलिमेंट है जो कि यूनिवर्स में फॉर्म होता है और डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ हमको फॉर्म होता है। ठीक, यहाँ पे बहुत सारे नॉन लिविंग और लिविंग सराउंडिंग हैं हमारे आसपास हैं जो कि कार्बन से मिलके बनते हैं, उसके कंपाउंड्स भी मिलके बनते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, शुगर, फ्यूल्स, पेपर, मतलब फ्यूल भी जो यूज़ होता है, इवन प्लास्टिक की इस दुनिया में, जो कि बहुत खतरनाक है, इसको स्टॉप करना है। ठीक है, ट्राई टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक्स। इसमें भी कार्बन है हमारे पास। मिथेन गैस जो मैंने बोला उसमें भी कार्बन है, टेक्सटाइल्स, फैब्रिक्स, मेडिसिन सब में, कॉस्मेटिक्स इवन कार्बन है। ठीक है, चारकोल यूज़ करते हैं ना फेस की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, चारकोल पाउडर, उसमें भी कार्बन है। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में हम आए थे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में बहुत इंपॉर्टेंट था ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर्स, जिसको बकमिंस्टर फुलरेंस, ये भी है आपका एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एक ऐसा एलिमेंट जिसके डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है लेकिन सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ दैट एलिमेंट। फिजिकली दोनों डिफरेंट हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है बिकॉज दे आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एंड हैज थ्री वेल नोन, कार्बन हैज थ्री वेल नोन एलोट्रॉप्स जो कि मैंने बताया, दीज आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स। और ये डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस जो है कार्बन एटम से बनते हैं। ग्रेफाइट, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद थ्री अदर कार्बन एटम। ग्रेफाइट में एक एक कार्बन एटम इसका 2-3 अदर कार्बन एटम से मिलके बनते हैं, सेम प्लेन पे बनते हैं, हेक्सागोनल शेप बताते हैं, जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कैसे होगा। ठीक है, इसका एक वन ऑफ दीज बॉन्ड इज अ डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड फॉर्म करता है इसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। और जो ग्रेफाइट है उसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल एरेज में है, जो कि आपको लेयर्स में फॉर्म होता है, वन अब द अदर लेयर्स बनते हैं एक दूसरे के ऊपर हेक्सागोनल एरे की। ठीक है, और ग्रेफाइट बहुत ही गुड कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, जो कोई अदर नॉन मेटल है ही नहीं। ठीक है, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, किसकी, एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन की, जिसका नाम है ग्रेफाइट। नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे भी मैंने फिर से बता दिया आपको, सारी प्रॉपर्टीज़ फॉर्म कर दिया है कार्बन अपाउंड्स की, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, वो कंपेयर्ड दे एज कंपेयर्ड टू आयोनिक कंपाउंड। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कोवेलेंट बॉन्ड की, जब हम कंबाइन करते हैं एटम्स को नॉन मेटलिक कैरेक्टर होना चाहिए, शुड हैव नॉन मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटल होना चाहिए दोनों। कंबाइनिंग एटम शुड कंटेन 4-7 इलेक्ट्रॉन, जिसके साथ कंबाइन कर रहे हो उसकी इलेक्ट्रॉन्स 4-7 होने चाहिए। ठीक है, और इन देयर रिस्पेक्ट वैलेंस शेल में, ऑफकोर्स वैलेंस शेल में होते हैं, अंदर से तो आप निकाल नहीं सकते, आपको आउटर मोस्ट शेल से ही शेयरिंग पेयरिंग करनी होती है, लूजिंग गेनिंग पॉसिबल है, अदरवाइज वैसे भी उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ क्या लगता है, मतलब एनर्जी लगती है उनको गेन या लूज़ करने के लिए, अगर वो 2-3 से ज़्यादा होते हैं तो, या ज़्यादा से कम में जाना पड़ता है तो। ज़्यादा आप, तो आप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को तो वो कर ही नहीं सकते हो, क्या गेनिंग या लूजिंग। ठीक है, उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या पड़ती है, एनर्जी फॉर्म, मतलब रिक्वायर होती है। ठीक, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू डू दिस।
देन कंबाइनिंग एटम्स नीड 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स बताया अभी अभी. कंबाइनिंग इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही बनते हैं और टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. ठीक है. देन हाइड्रोजन है सिर्फ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. स्टिल इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड. एक से भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. ठीक है, सिंगल वाला. ठीक. नेक्स्ट है कंबाइनिंग एटम्स शुड कंट्रीब्यूट द इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कंबाइनिंग जो है ना एटम्स हमारे पास वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करेंगे तब जाके उनका पेयर बनेगा टू बी शेयर्ड. दैट टू बी शेयर्ड आफ्टर शेयरिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब शेयर कर रखते हैं हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तो क्या होता है, ईच कंबाइनिंग एटम शुड अटेन अ स्टेबल एलिमेंट. स्टेबिलिटी फॉर्म होती है ऑक्टेट या डबलेट में, स्टेबिलिटी फॉर्म होती है एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन का नियरेस्ट नोबल गैस के नियरेस्ट, दे आर जस्ट नियरेस्ट टू द नोबल गैस. ठीक है, तो ये है एक. और ऑक्टेट का मैंने बता दिया कि हर एक दूसरे से कंबाइन होता है और एक इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं. ठीक है. केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बता दिया हमने, सेम एलिमेंट के होंगे या डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी जब उसमें, तब उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. देन नॉन मेटल्स यूजुअली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स अमंग देमसेल्व. नॉन मेटल्स जो है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं एक दूसरे में. ठीक है, एग्जाम्पल कार्बन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि उनमें इंटरमॉलिकुलर स्पेस जो होता है जिसको कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं, दे आर वेरी लूज एंड इन कोवेलेंट बॉन्ड दे आर वीकर देन द आयोनिक बॉन्ड. ठीक है, तो ये एक और हमारा क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. ठीक है, ऑन दीज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन मैंने आपको बता दिया है. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्म मिलती लगती है कि हम उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को हटा सके वहाँ से और कंबाइन कर सके उसके कैटायन को. ठीक है, विथ 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस. ठीक है, तो इट्स होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, इट रिक्वायर्स ऑन टू 2 इलेक्ट्रॉन्स. दस कार्बन निदर गेन नॉर लूजेस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट शेयर्स विद द अदर एलिमेंट्स विच आर सेम और कुछ भी, और ये उनसे ही होते हैं शेयर पेयर जो अटेंस नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन. उन्हीं से उनके क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है एंड कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स. ठीक है, तो ये था यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन. और फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, अगेन कोवेलेंट बॉन्डिंग ही है जो मैं आपको बता रही थी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम डायमंड और ग्रेफाइट और फ्लोरेंस का कुछ इस तरह से होता है. वन और द अबव आपको बोला गया है, बताया गया है यहाँ पे कि कैसे एक दूसरे के ऊपर इन लोग फॉर्म करते हैं. ये है उनका स्ट्रक्चर जो कि हम बात कर रहे थे. इसमें क्या हो रहा है, इट डज नॉट गेन, बता दिया है कि ये गेन नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, 4 इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स. 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज शेयर नहीं करते, गेन नहीं करते, सॉरी. इट डज नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स. बताया मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन करने में 4 इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो इट डज नॉट डू दैट. ठीक है, सो इट शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स, तो ये शेयरिंग कर लेते हैं. ठीक है, और जो उन्हीं के साथ जो अटेंड करते हैं स्टेबिलिटी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, उन्हीं के साथ जो स्टेबिलिटी फॉर्म करते हैं टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड्स. ठीक, नेक्स्ट है, इसीलिए जो कार्बन एटम है इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन स्टेबिलिटी. ठीक है, इट्स वैलेंसी इज 4 एंड इट इज़ अ टेट्रावेलेंट. कुछ इस तरह से मैंने इसका एग्जाम्पल आपको दे दिया है. ठीक है, तो कितना आपको घूम घूम के वो इसी बात को समझाया जा रहा है पूरे इस चैप्टर में, और कार्बन की क्या बताई जा रही है प्रॉपर्टीज. तो हमने पढ़ लिया सब कुछ, उसका वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ लिया और कंपाउंड्स पढ़ लिए, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब माइनस हो चुका है आपका, इसलिए हमने नहीं पढ़ा. हमने एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन्स के बारे में ज़रूर पढ़ा है. ठीक है, फिर कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है, कंबशन के बारे में पढ़ा है, बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इन एयर, फिर सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट पढ़ा है हमने कि कैसे एटम क्या उसके ग्रुप ऑफ एटम्स का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में या दूसरे किसी अनदर एटम और ग्रुप में कैसे उसका कॉम्बिनेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है या एलिमिनेशन या रिप्लेसमेंट होता है. ठीक है, एडिशन पढ़ा है, जब दो रिएक्टेंट्स एडिशन करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं सिंगल प्रोडक्ट. ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये पढ़ा है हमने रिडॉक्स रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर. ठीक,
नेक्स्ट है इथेनॉल, इथेनॉल सोप्स और ये सब आपका क्या है, डिलीटेड पोर्शन है, इसलिए हमने इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिए। यही सारी इन्फॉर्मेशन जो नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे उनके लिए वीडियो ज़रूर बनेगा। आज इस सेशन के लिए ये जो वीडियो था वो इतना ही था। रीज़न कि उतना हम पढ़ेंगे जितना इस सेशन में एग्जाम में आने वाला है, सो दैट क्या हो आपका दिमाग में ज़्यादा इधर उधर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज से हमेशा क्या बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है हमारा, है ना। तो वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ उतना ही जितना इस सेशन में आने वाला है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे मेल करके ज़रूर बताएंगे। इतना ही था आपके इस पूरे इन्फॉर्मेशन आपके इस चैप्टर में जो कि हमने बता दी है। कोशिश हमेशा ही की है कि आपको आप तक पहुंचाया जाए वो चीज़ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं फिर आपके सामने आऊँगी। इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर भी शायद मैं आपके सामने बहुत जल्द आऊँ और होपफुली आऊँगी, ठीक है। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को करती हूँ एंड। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा वेट जरूर करेंगे। पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, पेरेंट्स को बॉदर ट्रबल बिल्कुल मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।